आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सुबह सवेरे उठकर घूमना सेहत के लिए लाभदायक होता है, चिकित्सक भी यही सलाह देते हैं। इधर राम मंदिर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, उधर शिव की नगरी सिवनी में अंग्रेजी नववर्ष के साथ ही अंग्रेजी नववर्ष के आगाज के साथ ही प्रभात फेरियां निकलना आरंभ हो गई हैं। दरअसल कपीश्वर हनुमान मंदिर बारापत्थर में स्थित है और यहाँ कपीश्वर हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित उपेंद्र महाराज के नेतृत्व में ये रैलियाँ निकल रही हैं और पंडित उपेंद्र महाराज के अनुज पंडित उपेंद्र महाराज भैरवगंज के परतापुर रोड स्थित मंदिर से वे भी अब प्रभात फेरी निकालना उनके द्वारा आरम्भ किया गया है। ये भैरवगंज भैरव बाबा, वैसे भी ये माना जाता है कि भैरव बाबा बहुत प्रिय हैं, इष्ट हैं सभी के, और उनके नाम पर स्थापित शिव की नगरी का ये भैरवगंज इस इलाका भैरवगंज में देखिए यहाँ पर किस तरह से पंडित उपेंद्र महाराज के द्वारा पूजा स्तुति की जा रही है। मुंह अंधेरे सुबह सवेरे ही यहाँ पर लोग एकत्र होते हैं, किसी भी देवालय में एकत्र होते हैं और देवालय में एकत्र होने के बाद वे भजन कीर्तन करते हुए ढोल मंजीरे बजाते हुए सुबह लगभग 5:30-6 बजे सड़कों पर उतर आते हैं। जो लोग निंद्रा में मग्न होते हैं उन्हें भी इस तरह का भजन कीर्तन सुनकर वे भी प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं, भगवान राम में वे रम जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं भैरवगंज स्थित ये राम मंदिर के पास से आरंभ होना या आरंभ हुई और इसके बाद विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ध्वज लिए हुए महिलाएं, पुरुष, युवा, उम्र दराज, बुजुर्ग सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सुबह देखिए आप पौ फटने का इंतजार भी इनके द्वारा नहीं किया जाता है और ये सीधे निकल कर ईश्वर की स्तुति में अपने आप को तल्लीन कर लेते हैं, अपने लीन कर लेते हैं। ढोल मंजीरे बजाती हुई महिलाएं, पुरुष की टोली यहाँ पर आपको दिख रही होगी। बहुत ही आनंद के क्षण होते हैं, बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं लोग यहाँ पहुँच कर। और धीरे धीरे ये अभी आरंभ हुआ और धीरे धीरे इसमें भीड़ बढ़ना आरंभ हो गई है। श्रद्धालु एक के बाद एक से जुड़ते जा रहे हैं। देखिए भगवान श्री राम का ये मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, भगवान राम जानकी और लक्ष्मण, भगवान राम के अनुज लक्ष्मण और उनके सबसे प्रिय हनुमान भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कौन हनुमान यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही नज़ारा सुंदर होता है। सुबह सवेरे निकलते हैं लोग, ये देखिए राम दरबार पूरा सजा हुआ नजर आ रहा है और देवालय में ये राम दरबार नजर आ रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सुबह सवेरे लोग निकल कर जब पहुँचते हैं तो वास्तव में वे आनंद के क्षण होते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुंदर उत्तम नज़ारा यहाँ होता है। लोग भक्तिभाव से भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, गाने गाते बजाते भजन कीर्तन करते हुए सड़कों पर लोग आते हैं। बहुत ही इसको बहुत लोगों के द्वारा इसका ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके से अगर प्रभात फेरियाँ निकल रही हैं तो ये प्रभात फेरी वास्तव में बहुत ही अच्छे संकेत माने जा सकते हैं। इस तरीके की प्रभात फेरियाँ आज़ादी के पहले निकला करती थी, आज़ादी के दीवाने निकाला करते थे और सिवनी में प्रभात फेरी निकलने का एक बहुत इतिहास भी पुराना है। ये देखिए यहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए आपको श्रद्धालु दिखाई दे रहे होंगे। वास्तव में सुंदर नज़ारा भैरवगंज का हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी अपनी एक साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हैं तो आप उन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।